नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल MS में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कोटक नियो जो सिक्योरिटी ऐप है जिसमें हम जो है अपना ट्रेडिंग करते हैं, इसमें जो है हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट से अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में, तो वो है वो सेम डे जो है हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कई बार क्या होता है, जैसे आज हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आज की बजाय कल ट्रांसफ़र होगा हमारे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में शो होगा, या फिर परसों शो होगा। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहले मैं अपने कोटक नियो की एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। ये हमारी कोटक नियो की एप्लीकेशन खुल चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये फ़ंड। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें मेरा फ़ंड नहीं है, मैंने निकाला हुआ है, ये 16 रुपये है। तो 16 रुपये में मैं आपको दिखाता हूँ विड्रो। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दे रहा हूँ 10 रुपीज़ विड्रो मनी। अभी देख लीजिए, रिक्वेस्ट प्लेस विड्रो रिक्वेस्ट ऑफ 10 AM रिक्वेस्ट बिफोर 4 PM बिजनेस डे, यू विल रिसीव द अमाउंट ऑन द सेम डे। ठीक है, इस पर क्या लिखा रखा है, अगर हम रिक्वेस्ट सेम डे में अगर दोपहर के या फिर शाम के 4 बजे से पहले रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो वो सेम डे में जो हमारा अमाउंट जो हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हम 4 बजे के बाद जो है इसको डिपॉजिट करते हैं या फिर हमारा अकाउंट को निकालते हैं तो वो अगले जो बिजनेस डे होते हैं जैसे उसी अगले दिन में वो हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न यह है, जैसे मान लो अगर मैं शनिवार को ये अमाउंट 4 बजे के बाद अपना विड्रॉ करता तो ये मंडे जाके हमारा रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है हमारा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और अगर मैं यही शनिवार को या सैटरडे को 4 बजे से पहले या 2 मिनट 3 मिनट पहले भी अगर इसको जो है विड्रॉ को प्लेस करता हूँ तो ये सेम डे हमारा सैटरडे को जो है हमारा अमाउंट इसमें जो हमारे पर्सनल अकाउंट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट है कोटक नियो जो है सिक्योरिटी अकाउंट में तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपके सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा या फिर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।